सबको प्रणाम, नवरात्रि की बधाई हो, नए साल की भी बधाई हो, जय माता दी। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने YouTube चैनल नीरज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा आप सभी लोगों को पता है, आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और साथ ही ये जो चैत्र माह की जो प्रतिपदा आती है, तब से नवरात्र भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको सर्वप्रथम सभी को नवरात्र की भी बधाइयाँ हैं और नववर्ष भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से हरेला, जो हरेला पड़ता है हमारे पहाड़ों में, किस प्रकार से, किस विधि विधान से हरेला डाला जाता है, वो दिखाऊंगा। वो आपको बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, आइए देखते हैं किस प्रकार से हरेला पड़ता है और उसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है। शिव शंकर भोले कैलाशपति के मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होती है। जो नया वर्ष होता है हिंदुओं का नववर्ष, तो तब से आज हरेला भी पड़ता है। एक प्रतिपदा के अवसर पर पिताजी बैठे थे मंदिर पर, पूजा अर्चना कर रहे थे, तो इसके बाद अब हरेला पड़ेगा। तो हरेला किस विधि विधान के अनुसार पड़ता है और क्या क्या उसमें सामग्री लगती है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। कैसे हरेला डाला जाता है पहाड़ में, ये पिताजी ने हाथ में जौ पकड़ लिए हैं अब, और ये मिट्टी तैयार कर रखी है जिसमें हरेला जाएगा, और ये सरसों है, और ये कुछ पत्थर रखे हैं, पंच पत्थर कहते हैं जिनको। अब इनके साथ ही इनकी जो हरेला की जो बुआई होगी, उसकी शुरुआत होगी, पिताजी करेंगे। अभी किस तरीके से हरेला बोया जाता है, क्योंकि चैत्र नवरात्र जब प्रारंभ होते हैं उस टाइम पर हरेला बोया जाता है, हरेले की भी शुरुआत हो जाती है बसंत ऋतु में। और मैं भी बैठा हूँ पापा के साथ, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कैसे कैसे हरेला बोया जाता है, उसकी जानकारी मैं भी ले रहा था। दो बर्तनों में डाला जाता है करके बता रहे हैं पापा, ये दोहरा हरेला। क्योंकि यही चीज सीखने की होती है, आगे को यही पीढ़ी हम लोगों ने भी चलानी है।
कबीर तू मंगल दाता, भक्त जीता मना पुरहिता, महाद्वार या नगरी था तू, महाद्वार या नगरी था तू, दैवत अमुता विनायका तू, दैवत अमुता विनायका तू, हे गजानन हे गजानन हे गजानन परमेश्वर तू ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन मध्ये षट सक तारण कवियुक्तिम हेतु पूजा करेंगे विधिष्ठु यम सालिदानाय राजा विनायक दया कर संपन्न हो नवरात्रि की पृथ्वी हार्दिक शुभकामनाएं। तो उन्हें देखा कि हरेला किस प्रकार से पड़ता है हमारे पहाड़ में, क्या क्या उसमें चीजें डाली जाती हैं और कैसे किस विधि विधान से हरेला डाला जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।